टेक्निकल यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज। जैसा आपको पता ही होगा कि रेडमी काफ़ी सारे फ़ोन्स लॉन्च करते रहते हैं और हाल ही में रेडमी ने अब एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन से जो रेडमी लॉन्च करेंगे ही, तो उनमें से एक है रेडमी 7A। आपको बता दूँ कि रेडमी 7A के पहले रेडमी 6A भी है, रेडमी 5A भी है, रेडमी 4A भी है, लेकिन रेडमी 3A नहीं था। तो ये 4A से शुरुआत हुआ। तो जितने भी इनके सीरीज़ होते हैं, इनका जो है भविष्य के बारे में इनको बहुत फिक्र होता है। तो ऐसा ही कुछ Redmi 7A के बारे में आज स्पेसिफिकेशन में आज आपको बताने वाला। तो दोस्तों सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो 6.2 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलेगी, HD+ की डिस्प्ले होने वाली है, नॉच की आपके यहाँ पर आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, और जो रैम होगा 2GB रैम और 3GB वेरियंट, दोनों आपको वेरियंट आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है कि प्रोसेसर कौन सा होगा, स्नैपड्रैगन A435 450 या फिर मीडियाटेक का हीलियो P22, इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसेसर हो सकता है। कैमरा फ्रंट में आपको 8 का मिलेगा, यानी कि इम्प्रूव होगा जो कैमरा होगा वो AI होगा। रियर में आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा और ड्यूअल कैमरा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी, तो प्लास्टिक का होगा या फिर न्यू डिज़ाइन होगा, डेफिनेटली प्लास्टिक ही होगा क्योंकि इस प्राइस रेंज में शायद प्लास्टिक ही आपको मिल सकता है। बिल्ड क्वालिटी एवरेज यहाँ पर आपको देखने मिलेगी और उसके अलावा आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बैटरी यहाँ पर 3500 mAh की यहाँ पर आपको मिलेगी, एंड्रॉयड 9 के साथ आएगा। ओवरऑल एक अच्छी फ़ोन है, MIUI 11 के साथ रन करेगा। अब मेरी ओपिनियंस क्या है, प्राइसिंग यहाँ पर बताई नहीं जा रही है। तो दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर बताई गई है कि स्मार्टफोन जो होगा 3500 mAh की बैटरी मिलेगी, नो फास्ट चार्जिंग। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर इंप्रेसिव क्या होगा, इंप्रेसिव कैमराज के ऊपर बहुत ज़्यादा देखी जाएगी बिकॉज रेडमी के कैमराज काफ़ी अच्छे थे, रेडमी 6 का कैमरा काफ़ी एवरेज था और 6A का भी कैमरा जो था वो भी काफ़ी एवरेज था। तो बस यही चाहूँगा कि Redmi 7A का जो कैमरा है वो काफ़ी इनहेंस निकलना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से प्राइसिंग पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर ये प्राइस 7000 के ही अराउंड में अगर लॉन्च होता है 3GB रैम वेरियंट के साथ, तो आई थिंक ये एक वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और अगर कभी ये स्मार्टफोन इस प्राइस में लॉन्च नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा में होता है, तो आई थिंक ये लेने लायक नहीं है क्योंकि 7000 के प्राइस में आपको और भी कई सारे आपको स्मार्टफोन मिलेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 6000 का ये स्मार्टफोन्स होने वाला है, 6000 प्राइस में ज़रूर डेफिनेट लेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके हिसाब से स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्राइस क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ऐसा लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, हमें सब्सक्राइब भी करना और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसके साथ में प्रेस करना। तो मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय।